ही रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल का ये हाल है। और केवल ये ही नहीं कि नई बिल्डिंग बने, वो तो बनाना ही चाहिए प्रशासन को, लेकिन ये एक बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन है और इसको जल्दी से जल्दी पानी, एक डेढ़ महीना हो गया है और अभी ही कोरोना काल जो ख़त्म भी नहीं हुआ है, किस प्रकार से लोग उससे जूझ के निकले, लोगों के पास बेड्स नहीं थे, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे थे, सिलेंडर की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स नहीं थे, और अब आगे आने वाले समय में डेंगू और मलेरिया पैदा होगा अगर ये लोग तरीके से जल्द इस सिचुएशन को एड्रेस नहीं करेंगे और पानी को यहाँ से ड्रेन आउट नहीं करेंगे। एक बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। ऐसी कोई बात नहीं है कि काम हो नहीं सकता, ये नागरिक का इसके अंदर दायित्व नहीं है, ये प्रशासन का इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस प्रकार से जल्दी से अपना ये काम करें। जैसे चौधरी बंसीलाल जी जब वो कहा करते थे कि अभी सड़क बननी है तो वो बनेगी, तो जब प्रशासन, ये नागरिक तो नहीं कर सकता ना इस काम को, और जहाँ पे दुकानदार हैं, व्यापारी भाई हैं, उनको इतना एक एक हफ्ता बंद रहा मार्केट, और लोगों को तो नुकसान हुआ ही क्योंकि आसपास के गांव से भी लोग ख़रीदने आते हैं, व्यापारी भाई को भी हुआ, तो उन व्यापारियों को भी इसमें सही मुआवजा देना चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट स्कूल है। तो ये एक बहुत दुख की बात है। गांव में भी, जैसे गांव की मैं अभी गांव के दौरे कर रही थी और वहाँ पे भी एक स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए। अभी कपास की बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है और स्पेशल गिरदावरी, हाँ जी, बाजरे में भी हुआ है, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये इमीडिएट अटेंशन की चीज़ें हैं और इसके ऊपर जल्द से जल्द गवर्नमेंट कार्रवाई करें और लोगों को उनका हक दें। कुछ ज़मीनी रूप पे सब रिवर्स गियर पे चले गए। श्रीमती किरण चौधरी जी ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया था, वाटर वर्क्स बनाया था, उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ है यहाँ पे, सिर्फ ख़त्म ही सारा जो सिस्टम्स हैं वो कोलैप्स ही हुए हैं।